मना नहीं कर रहे, हम शादी के लिए तैयार है, लेकिन हमें एक ही लड़का चाहिए, सोएगा हम दोनों के साथ ही वो। एक लड़का? और क्योंकि शादी दोनों ने करी है ना, तो दोनों को वही रखेगा, अलग अलग नहीं सोएगा, सोएगा साथ में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर मैटर क्या है। तो आजकल फेसबुक पे धड़ल्ले से एक स्कैम चल रहा है, जहाँ जनता की भावनाओं से खेलकर पति पत्नी, भाई बहन और अन्य कई पावन रिश्तों को भी सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी गंदी सोच और अश्लील हरकतों से आम जनता को चुतिया बनाया जा रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये सारी स्क्रिप्टेड और फेक वीडियोस हैं, जिसकी आज हम मिलकर बजाने वाले हैं। तो गुरु, कमेंट सेक्शन खुला है, कृपया अपने विचार व्यक्त जरूर करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सेकंड, बुरा मत मानना, आपकी एज कितनी है? 50 एज है मेरी। 50 और आपकी कितनी? 23। और आपकी मैम कितनी है? 21। आप देखो, बुरा मत मानना, आपकी ऑलरेडी वाइफ है भैया। यार सबसे पहले तो मैं इस सीक्रेट फिल्म के डायरेक्टर से मिलना चाहूंगा, फिर दूंगा गांड पे एक लात और गाल पे एक पप्पी। बोले तो कहानी शुरू होने से पहले कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। अरे क्या सोच है रे तेरी। मतलब मैं इससे प्यार नहीं करता ना, मैं इनसे प्यार करता हूँ। तेरी फैमिली वालों ने दिया क्या है मेरे को? प्रॉपर्टी है, कुछ दिया है, आईफोन दिया है, आईफोन की वॉच दी है। अबे ओ टूथपिक के सकल के अंधा है, इतनी यंग हसीन और खूबसूरत बीवी को छोड़कर तू उस पुरानी हवेली के पीछे पड़ा है? अबे ये प्यार नहीं बवासीर है, जो दिल से नहीं कहीं और से हो गया है तुझे। मेरी भी अपनी नीड है, मेरे पास सब कुछ है। क्या नीड है आपकी? मेरा देखो आगे पीछे कोई भी नहीं है, ये मेरा पति है। अब मैं कैसे छोड़ सकता हूं? पति है ये मेरा, मैंने सब कुछ नहीं हूं, सब कुछ दिया है। अरे आंटी जी, अब और कौन सा अधूरा ख्वाब बाकी रह गया है आपका, जो बचपन में भी बचपन के शौक पूरे करने निकल पड़ी हो और अपने से भी आधे उम्र के लौंडे संग बिहार रचाकर आई एम डैम श्योर तुम लूडो तो नहीं खेलने वाली हो रात भर। ओके ठीक है, तेरे को ये देखो, ये पैसा बोलता है, ये दिया है आईफोन उन्होंने, ये पैसा बोलता है, दिया है खरीद के, और ऐसे 20 फोन मैं खरीद कर दे सकती हूं, 20 फोन दे सकती है खरीद कर। देखो जी, तू हाथ छोड़, अब मेरा पति है, मेरे साथ रहे। लगता है आज आंटी थोड़ा भावुक हो गए। अरे कोई तो रोको इसे, वरना आज अपना सारा पिटारा ये इधरिच खोल देगी। और अगर फंसाना ही था तो किसी सिंगल लौंडे पे ट्राई करती, पर किसी शादीशुदा का घर तोड़कर अपना पैसा, टाइम और सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाने से आखिर क्या मिलेगा आंटी? यही नहीं, अभी और सुनिए। तू हाथ छोड़, अब मेरा पति है, मेरे साथ रहेगा। लड़का वड़का कुछ भी नहीं होता। और देखो हमने एंगेजमेंट की है, डायमंड रिंग, ओह माय गॉड। अरे आंटी तुम लक्ष्मी चीट फंड में काम करती हो क्या? आखिर कितने को लूट कर ये प्रॉपर्टी खड़ी की है तुमने? क्योंकि मुझे तो लगता है कि पुश्तैनी धंधा है ये आपका, इसीलिए तो पोते पोतियों को खिलाने की उम्र में अपने बेटे की उम्र के लौंडे के साथ खेलना चाहती हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपसे कम से कम एज हो ना 2 गुना बड़ी है, आपने क्यों करी शादी? एज मैटर नहीं करती ना भाई। तो क्या मैटर करता है भाई, मैं प्यार करता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़। ये लड़की का रोना नहीं दिख रहा आपको? ये देखो बच्ची कितना रो रही है, ये दिखनी ना आपको? अरे बसकर बहन, वो नहीं सुनने वाला है। आज अगर तू किसी का थूका हुआ भी चाट लेगी फिर भी तेरा हस्बैंड नहीं मानने वाला है, क्योंकि 1.5 लाख का आईफोन और डायमंड रिंग के आगे अरे फीका पड़ गया है प्यार तेरा। अरे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अरे भाई साहब, अरे भाई 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 मैम। अरे यार चीचा, तुम तो सच में कुत्ते निकले। सुबह जॉगिंग जा रहा हूँ बोलकर घर से निकलते हो और खुले गार्डन में कुत्तों की तरह भौंक भौंक कर लड़कियों का दिल बहलाते हो। और जरा बचकर रहना, वरना होली से पहले चाची कहीं तोड़ ना दे तुम्हारी पिचकारी। और इतना एक्साइटमेंट भी ठीक नहीं चाचा, भ्रम में जी रहे हो तुम, क्योंकि कुत्ता बनकर जीने में और डॉगी स्टाइल में लेने में थोड़ा नहीं बहुत फर्क होता है चाचा। तुम्हारे पता है बेटी को मर गई है ये, फिर प्यार मोहब्बत में बेटी नहीं चलती है। अभी ये तो ठरकियों का भी बाप निकला रे, हफ्सी है साला। और मुर्गी देखा नहीं कि बुड्ढा लेग पीस का डिमांड करने लगा? और चाचा जो तुम बोल रहे हो ना, वो सुनने के लिए बहस करने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। फिर चाहे तुम हेलमेट पहन कर ही पिच गीला करने क्यों ना आ जाओ। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। भाई बहनों के अपने शादी करिए। हम भाई बहन नहीं है, दुनिया की नजर में हम भाई बहन हैं। वैसे हम भाई बहन नहीं है, हम अपनी नजरों में भाई बहन नहीं है। ये क्या मतलब होता मैडम? इनके ना दिल में छेद है। तू बता रही है यार, मत बताए ने। मतलब लॉजिक की तो कतई मार रखी है तुम लोगों ने। बोले तो भाई के दिल में छेद था, इसलिए बहन ने उससे शादी कर ली, ताकि उसकी देखभाल भी हो जाए और हॉस्पिटल का खर्चा भी बच जाए। और कल अगर तुम्हारे बाप की किडनी फेल हो जाए तो तुम ढूंढ कर डोनर नहीं, पहले उनके लिए एक आईफोन ले आना अपनी दोनों किडनीज बेचकर। गजब बेइज्जती है।
जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमें लड़का चाहिए, वो हमें लड़का मिल चुका है और इन्होंने हमें क्या मुझे 7 दिन में बिल्कुल ही खुश कर दिया। क्या कर दिया? मुझे 7 दिन में बिल्कुल ही खुश कर दिया। अरे वो कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे 7 दिन अकेले में यूज करने के बाद आज तुम हमें उसका परफॉर्मेंस, माइलेज और तेल कितना पीता है ये बता रही हो। देखो शर्म नहीं आई? और इस लौंडे के कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी, मतलब 7 दिन के बाद भी आज भी इसकी आंखों में हवस का भूख क्लियर नजर आ रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैसेज कर करके क्या बोलता है? क्या बोलता है तुम्हें वॉइस मैसेज में कर करके? बहुत बदतमीजी बातें बोलता है कि मेरे साथ चल, कल सुबह मुझे मिल लियो होटल में। बता होटल में ले जाके क्या करेगा भाई? इसके साथ क्या होता है होटल में आके? शर्म आ रही है? क्या करेगा? नहीं जरा सी शर्म, तुझे समझ नहीं है क्या करेगा? अरे ताऊ अब तू गाली खा के मानेगा के? चल माना तेरी शकल अच्छी ना है, पर हगने वाला भी काम अब तू अपने मुंह से करेगा के? और बचकर रही हो ताऊ, गलती से भी अगर किसी सरफिरे के चक्कर में पड़ गए ना, पहले तो वो तेरी दोनों चूतड़ों को लाल करेगा, उसके बाद वो तेरी हड्डियों का सुरमा भी बनावेगा। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। जो भी लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं अपनी ये 2 करोड़ की हवेली और अपना क्लिनिक और 25 लाख की जो FD है वो उसके नाम पे कर दूंगा। अरे डॉक्टर साहब क्लिनिक छोड़िए, किस लाइन में आ गए आप? पेशेंट को लूटने से लेकर दवाइयों की दलाली करने वाला ये झोला छाप डॉक्टर आज अचानक ये धर्म कर्म के काम में कैसे लग गया? और बेटी है वो आपकी कोई फल सब्जी या प्रॉपर्टी नहीं, जिसकी बोली आप सड़क किनारे खड़े होकर लगा रहे हो। लड़का चाहे जैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, कैसा भी हो, बस मुझे एक अच्छा हमसफर चाहिए, मेरी बेटी का ख्याल रखे और मेरा। बाकी आप अपना नंबर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लोकेशन लिखें। देखो डॉक्टर साहब आप टेंशन ना लो, मैं वचन देता हूँ कि इंसानियत के खातिर सारे जमाने से लड़ जाऊंगा। आपकी बेटी से मुझको प्यार हो गया है, अरे उसके लिए तो मैं अपने घर वालों को भी छोड़ दूंगा, लेकिन वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और 25 लाख का FD तो मिलेगा ना मुझे? पार्टी बदल लिया साला। इन्हें पसंद किया है, हम इनके साथ ही रहेंगे, एंजॉय करेंगे इनके साथ हम। अच्छा हाँ। और बच्चा भी यही करेंगे हम दोनों को। हाँ जी। और ये इन्हें फ्लैट वगैरह नाम में कर दिया, गाड़ी वगैरह यही आप दोनों भाई, इन दोनों का आप ही बेबी दोगे? बिल्कुल हाँ, जब इनकी खुशी में मेरी खुशी। हाँ बिल्कुल भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरी चीचा बेबी मतलब बच्चा पैदा करने की बात कर रही है वो लोग, और एक बार कमिटमेंट करने से पहले अपने सूखे छुआड़े के माफिक इस खटारा जंग लगे हड्डियों के ढांचे के बारे में तो सोचा होता कि कहीं औकात से ज्यादा प्रेशर ले लिया तो तुम्हारी पिचकारी के 2 टुकड़े ना हो जाए। आई नो अब आप सोच रहे होंगे कि कुत्ते बिल्लियों की तरह बाल पकड़कर लड़ रही पापा की इन दो परियों के पीछे वो जो बुड्ढा खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, रिश्ते में तो इन दोनों का बाप होगा। सही पकड़े हैं। अरे नहीं रे, बॉयफ्रेंड है इन दोनों का। ये मेरे बॉयफ्रेंड है। ये आपके बॉयफ्रेंड है? हाँ। तुम्हारे? मेरे भी बॉयफ्रेंड है, मेरा बंदा है, 3 साल से रह रहे हो। तुम्हारे बाबू है? बापू है। और चाचा कंबल में छुपकर घी पीना तो कोई आपसे सीखे, क्योंकि भले ही तुम्हारे दिए में तेल कम है मगर रोशनी बराबर करते हो अंधेरे में।